भाई मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, मैं भुंगीर से हूँ। मेरा मोबाइल का बिजनेस है। जहाँ तक अयूब भाई का मेरा ताल्लुक है, उन्होंने मेरे खलेरे भाई है साहब, उन्होंने मेरे खलेरे भाई है। उनकी हिस्ट्री जो है ना, उन्होंने बचपन में भुंगीर में उनका पैदाइश हुई। उन्होंने भुंगीर में उनके घर वाले फूलों का बिजनेस करते थे। उसके बाद जो है ना, धीरे 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 उन्होंने भी करे, उसमें वक्त लगाए। उसके बाद उन्होंने जो है ना, हैदराबाद शिफ्ट हो गए उनके बाजी के पास। बाजी की शादी हो गई थी उनकी, तो बाजी के पास शिफ्ट हो गए बोरा बनना। वहां पर उन्होंने मोबाइल शॉप में एक काम कर रहे सीख रहे थे। धीरे 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 उन्होंने एक मोबाइल शॉप डाले बोरा बनना सैतपुरे में। उसके बाद थोड़े दिन चलाए वो, उसके बाद यूसुफपुड़े में डाले मोबाइल शॉप। वहां पर एक 5 से 6 साल चलाए। उसके बाद और एक मोबाइल शॉप डाले, उसको निकाल के कृष्णा नगर में गोल्डन मोबाइल बोलकर वहां पर थोड़े साल चले। उसके बाद में जब एनआरसी का मसला आया, उसके बाद सलमान भाई की अयूब भाई की मुलाकात हुई। उसके बाद HYC फार्म हुआ। उसके बाद ये सब सिलसिला चलता रहा। उससे पहले सब कुछ भी नहीं था इनके पास, गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं थी। जो भी है HYC फार्म होने के बाद है, कार होने दो, जो भी घर वगैरह जो भी होने दो, HYC फार्म होने के बाद ही है। पहले का कुछ नहीं है उनके पास। पहले बस एक गाड़ी रहती थी, बस मोबाइल का छोटा मोटा बिजनेस था। जो भी है HYC फार्म होने के बाद। और एक बात है, मेरे को जहां तक मालूम है, इन लोग जब किसी पेशेंट के पास जाते हैं तो परसेंटेज बात करते। अब किसी को 2 लाख की जरूरत है तो 2 लाख की जरूरत है। अगर पैसा ज्यादा आ गया तो 2 लाख देके बाकी का पैसा इन्हों रख लेते। अगर 2 लाख भी आया तो इसमें परसेंटेज बात करके इन लोग रख लेते। बस ऐसा ही चल रहा साहब इन लोगों का, और दूसरा कुछ भी नहीं है जरिया। और ऐसा ही जो है ना आगे बढ़ रहे लोग। और एक बात ये है, अगर किसी को 1 लाख की जरूरत पड़ी पेशेंट को, अगर समझो 3 लाख रुपए आ गए, तो इन लोग 3 लाख रुपए पूरा निकाल लेके जो विक्टिम है, जो पेशेंट है, उसको 1 लाख रुपए देते। लेकिन पब्लिक को ये मालूम हो रहा है, डोनेशन जो डोनेशन कर रहे हैं उनको ये मालूम हो रहा है कि पूरा पैसा जो है ना पेशेंट को चलेगा। लेकिन ये हकीकत नहीं है।